राधे राधे भैया, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और अभी मैं निकल रहा हूँ दक्ष महादेव। मैंने कल बताया था कि दक्ष महादेव घूम के आऊँगा, तो आज भी जाऊँ दक्ष महादेव घूमने। वहाँ की कुछ विशेषता है जो जल्दी आपको रिवील करता हूँ, बट अभी यहाँ से निकलने के दो रास्ते निकलते हैं। निकलता है सिंह द्वार की तरफ से और एक जाता है हल्की पेड़ी साइड से। तो मैं जाऊँ सिंह द्वार की तरफ से, दोनों तरफ से 3-4 किलोमीटर के समथिंग डिस्टेंस पड़ता है। फिलहाल तो निकलते ही यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। एक तो ये वाला है, ये आता है प्रेमनगर आश्रम से और सीधा कनखल जाएगा। एक रास्ता ये जाता है, ये निकलेगा कनखल थाने की तरफ से, जो लंबा पड़ता है, लेकिन हल्के पेड़ के साइड से ये वाला रास्ता इजी पड़ता है। मैं इससे निकलूँगा घूमते फिरते बाजार से। यहाँ सीधा निकला कनखल का रास्ता और इधर है मेरे दोस्त का घर, जिसके घर में मेरठ में गया था, उसका घर यहीं पे है पास में। तो मैं निकल रहा हूँ कनखल के लिए इधर से। ये है कनखल का बाजार, मस्त। इसे थोड़ा सा आगे जाके आएगा झंडा चौक, जो मेन मार्केट है कनखल की। मतलब कनखल वो सिटी है जिसका जिक्र पुराणों में या फिर पुराने पुराने ग्रंथों में किया जाता है। अभी आपको इसके बारे में अभी गूगल सर्च करोगे ना तो वो आपको बहुत बता देगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मेरे पास थे इतनी गूगल के पास है भैया। तो सर्च करो भैया। सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए अभी मार्केट बंद पड़ा है। आज मैं सुबह सुबह आ गया, रीज़न कल लेट आया था तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया। आज इसलिए जल्दी जल्दी आ गया हूँ, फटाफट शूट करके दर्शन करके महादेव के निकलेंगे अगले सफ़र पर। ये रहा झंडा चौक। यहाँ से मेरे को मुड़ना है राइट, इधर के साइड से निकलेंगे सीधा सीधा, फटाफट पहुँच जाएंगे। ये रास्ता सीधा कनखल जाएगा दक्ष महादेव के मंदिर। तो भैया पहुंच गया हूँ महादेव के मंदिर। यहाँ से जस्ट 2-3 मीटर होगा और आपको यहाँ भरता है मेला सावन शिवरात्रि, जब भी कोई इवेंट है, जब भी कोई त्यौहार हो, हमेशा ये हमारा महादेव का मंदिर, जिसके दर्शन आज हम करने वाले हैं। पहले अपने धंधों को पार्क करेंगे इसको यहीं पर, कहीं पर सेफ्टी के साथ। एंटर हो चुका हूँ दक्ष महादेव के मंदिर में। जूते तो निकालते हैं भाई, जूते निकलते हैं यहाँ पे। ये पोस्ट है आपका, जो आप किसे हो वो दे सकते हो। इधर से इधर साइड पहले दर्शन होंगे मेरे, मतलब इधर से ही रास्ता निकलता है। अभी तो नॉर्मल टाइम है, वरना ईद हो जाती है, भीड़ बहुत ज़्यादा।
सावन के टाइम पे, इवेंट के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है देखने वाले रास्ते पर, ये वाला जो है ना यही पूरा ये यहाँ से वहाँ तक का पूरा भर जाता है, क्योंकि वैसा मैं शिवरात्रि पर आया हूँ, अब मुझे पता है यहाँ पे क्या हाल होता है शिवरात्रि पे। ठीक है, हमारी स्टार्टिंग इधर से होगी, इधर से एंट्री लेने के बाद हम अंदर से निकलते हुए इधर पूरा कवर करेंगे। और लास्ट सबसे पहले दर्शन होंगे हमारे भोले महादेव के, जो दूल्हे के रूप में यहाँ बैठे हैं। शीशे में थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, सही से दिखते हैं। इधर से होती है एंट्री भैया, बट पहले हम थोड़ा घाट वाट देख के आएंगे, घाट घूम के आएंगे, उसके बाद अंदर दर्शन करेंगे महादेव के। जस्ट गंगा के बगल में एक जो घाट है, घाट के बगल में ही मंदिर बना हुआ है, इसको दक्षिणी घाट की दक्षिणी साइड बोलते हैं, जो मंदिर की स्थापना हुई है। भैया मैं उस टाइम गंगा घाट पे हूँ, जो दक्ष महादेव के मंदिर के जस्ट साइड में है। ये दक्षिण साइड पे है जो मंदिर है ना, वो गंगा घाट के दक्षिण साइड पे बना हुआ है। और पानी इसका इस टाइम इतना साफ है, मैं नहाने का मन कर रहा है लेकिन नहीं नहा सकता, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, घर से नहा धो के आया आराम से। मैं और कुछ दिन से तबीयत डाउन चल रही है, बुखार सा चल रहा है, तो कोई नहीं, इतना तो झेल लेंगे, फिर कभी नहा लेंगे जल्दी हम। ठीक है, अभी थोड़ी बताता हूँ इसकी हिस्ट्री के बारे में। एक्चुअल में जो कनकल है वो दक्ष प्रजापति की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, और इसका जिक्र थोड़ा पुराणों में ग्रंथों में भी किया जाता है। जब जो दक्ष प्रजापति था, उसने एक महायज्ञ किया था, जो माता सती की जो विवाह हुआ था शिव जी के साथ, वो बोलते हैं ना कि भैया बिना आज्ञा से या फिर बिना अनुमति के, दक्ष प्रजापति की बिना अनुमति के हुआ था, तो वो थोड़ा क्रोधित थे उस वक्त के लिए, मतलब होता है गुस्सा होता है बस, बोलते ठीक है हमारे कन्हैया भी ऐसे ही है, महादेव भी ऐसी है। तो जब हुआ था उन्होंने एक यज्ञ कराया था, महायज्ञ इसको बोलते हैं, महायज्ञ कराया, फिर उसके बाद बस उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जानबूझ के माता सती को, जो उनकी छोटी पुत्री थी, और महादेव को नहीं बुलाया, जिस वजह से भैया माता पार्वती को गुस्सा आ गया था। तो आई थी पापा से अपनी बात करने कि ऐसा क्यों हुआ है मेरे पति को, जो भी है अपमान से। तो जब दक्ष प्रजापति ने कुछ बातें ऐसी बोल दी थी या फिर ये कह दो कि जब उसको नहीं बुलाया, वो वहाँ पर पहुँच गई, तो एक अपमानित हो गया ना कि अपमान किया गया था उनका, इस वजह से भैया माता पार्वती को गुस्सा आया था, वो उसी यज्ञ में कूद कर उन्होंने अपना आत्मदाह किया था। अब जिस वजह से महादेव को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने उनका एक वीरभद्र नाम से एक रूप है महादेव का, जो उनका एक अनुयायी है, उन्होंने उसको भेजा। और तब जो दक्ष प्रजापति था उसका, उसके जो अपमान था, उसके अपमान का जो दंड था वो उसको दिया, उसका शीश काट दिया। और फिर उसके बाद काफ़ी समय आसना दक्ष ने की, तब उसको बकरे का सिर महादेव ने लगा के दिया था। और ये दक्ष जो प्रजापति का महल है, ये बाद में बनाया गया था यहाँ पे उसकी यादों के लिए, या फिर कहते हैं ना कि उसकी स्मृति के लिए बनाया गया है। तो मैं अभी चलते हैं यहाँ पे दर्शन करने महादेव के, आपको यज्ञ कुंड दिखाता हूँ, अगर मोबाइल अंदर अलाउ होगा तो सती कुंड भी दिखाते हैं। फिलहाल तो भैया यहाँ पे थोड़ी हवाएं खाओ, आनंद लो। तो घाट से निकलने के बाद सबसे पहले जो मंदिर आता है वो आता है गंगा जी माता का मंदिर। ये मंदिर है, चलो आपको आगे दर्शन कराते हैं इसके।
अब मैं जा रहा हूँ अंदर सतीकुंड माता के दर्शन करने और दक्षिण महादेव के दर्शन करने। ठीक है, बस गंगा वंगा में बढ़िया घूम लिया हूँ, अब घाट वाट देख लिया, सीधा एंट्री लेते हैं अंदर। और ये है यहाँ सामने सतीकुंड, जो सबसे प्राचीन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सती माता ने अपना आत्मदेह यहीं पे किया था, तो वो यहीं पे है। और अभी यहाँ पे तेनोशना काम चल रहा है। अंदर सतीकुंड की वीडियो क्लिप है, लेकिन भाई जो महादेव का शिवलिंग है उसकी वीडियो क्लिप नहीं अवेलेबल, मतलब कि यार अलाउ नहीं है उसके लिए, फोटो वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। बट अभी जा रहे हैं माता सती का जन्म स्थान देखने, और दो तीन मंदिर और भी है, उनके भी दर्शन करते हैं। अभी जल्दी ही इधर के भी कपाट खुलेंगे, क्योंकि इधर भी जो है मंदिर वगैरह का निर्माण हो रहा है, बढ़िया उद्घाटन स्टार्ट हो गया है। इधर भी काफ़ी टाइम से रेनोवेशन का काम चल रहा है, काफ़ी सारी मूर्तियाँ अंदर बनी है, काफ़ी सारे जो है प्रांगण यहाँ पर तैयार हुआ है, जल्दी जल्दी वो भी रेडी हो जाएगा, सभी यात्रियों के लिए खुल जाएगा। गली से बाहर निकलने में सीधा पड़ता है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है कि इसमें मूर्ति नहीं है। और ये है लक्ष्मी नारायण के 10 अवतारों का भव्य दर्शन यहाँ पे, और दूसरी बात प्राचीन शीतला माता का मंदिर और सती माता का जन्म स्थान इधर। ये खुलने का समय सुबह 5 बजे। चलो जो श्री हरि के दर्शन अवतार थे उनके दर्शन कर लिए, और यहाँ से आगे पड़ता है एक महाकालेश्वर और महाकाली का मंदिर, उसके दर्शन करते हैं, उसके बाद माता सीता के जन्म स्थान के दर्शन करेंगे और शीतला माता के दर्शन। ये कनखल का टूट खत्म हमारा। तो महाकाली और महाकालेश्वर के दर्शन भी कंप्लीट हो गए, अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं लास्ट लोकेशन अपनी माता सती के जन्म स्थान का दर्शन करने। उस एक्चुअली माता सती का जन्म स्थान और शीतला माता का मंदिर दोनों एक ही जगह है यहाँ पे, और इसी के जस्ट बगल में है जो अपने देव पितर होते हैं, है ना, उनके जो पिंड वगैरह होते हैं वो सब यहीं पर रखे हुए हैं, जो होता है ना मतलब कि एक पूजा पाठ का जो अलग सिस्टम होता है। तो चलो दर्शन करते हैं फटाफट। यहाँ पर भी गंगा घाट है, और बिल्कुल गंगा घाट के ठीक सामने है
सती माता का जन्म स्थान और शीतला माता का मंदिर, और इधर देव पितरों के जो वो क्या नाम है स्थान होते हैं, पिंड स्थान जो बोलते हैं वो। आज के दर्शन हुए कंप्लीट और सती माता का जन्म स्थान देख लिया, कनकल देख लिया, दक्ष महादेव का मंदिर देख लिया, सती कुंड देख लिया। कब से लोकेशन आपको मैंने कनकल में आज दिखा दिए, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नई लोकेशन के साथ, एक नई विजिट के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, राधे राम राम, बाय बाय।